हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक फैसिलिटी की जो सर्विस इंटरनेट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। तो देखिए, ई कॉमर्स आज के समय में बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही यूज़फुल सर्विस है। तो इसके बारे में हम सब लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, ठीक है, देर आर मेनी सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर जनरल पर्पस, बट देर आर सम स्पेसिफिक सर्विसेज विच मेक्स द यूज़र मोर रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इंटरनेट पे कई चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिससे जो यूज़र को काफ़ी फैसिलिटेट करती हैं। तो कुछ तो जनरल सर्विसेज हैं और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। तो ई कॉमर्स जो है, ये भी क्या है, ये भी एक स्पेसिफिक सर्विस है, ये भी एक स्पेसिफिक सर्विस है जो इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती है। देखिए, ई कॉमर्स का सीधा मतलब क्या होता है, एकदम आप आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि बाइंग, कुछ खरीदना, एंड सेलिंग, बाइंग ऑफ सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज ई कॉमर्स। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को या सर्विसेज को, ठीक है, सर्विसेज मतलब जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, जैसे आप ब्रॉडबैंड रिचार्ज करते हैं, जैसे आप अपना बिजली के बिल का पेमेंट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी सामान खरीदना, जैसे हमने कोई टीवी खरीदा, ग्रॉसरी खरीदा, घर का कोई भी चीज़, अब तो आज के समय में तो ऑलमोस्ट सारे लोग जो है इससे इसको यूज़ कर रहे हैं ई कॉमर्स को। तो कोई भी चीज़ अगर हम इंटरनेट के थ्रू खरीदते हैं, कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज या बेचते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इसी को शॉर्ट में ऐसे ई कॉमर्स भी लिखते हैं, ई कॉम भी लिखते हैं, ठीक है, ई कॉम भी लिख सकते हैं या इसी को आप ई कॉमर्स भी ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट की मदद से हमको व्यापार करना है, हमको सामान खरीदना है या सामान बेचना है। और आज के समय में तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, आज के समय में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने भी कितनी फैसिलिटीज़ जो है इंटरनेट के थ्रू यानी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की हुई है। जैसे बैंकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, टिकट रिजर्वेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। एंड और ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया आती है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स मतलब, कॉमर्स मतलब कि एक तरह से आप व्यापार कर लीजिए, वाणिज्य कर लीजिए, ठीक। और इसके थ्रू जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या खरीद फरोख्त आप करते हैं, तो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एंटायर ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग, सर्विसिंग एंड पेइंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब केवल सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग भी नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, आप जो भी उसके डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग, सर्विसिंग एंड पेइंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट टेक्स प्लेस बिटवीन बिजनेसेस इज रिफर्ड टू एज बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मतलब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी लेन देन होता है उसको हम कहते हैं बी टू बी, दैट इज कॉल्ड बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं बी टू बी। बी टू बी कैन बी ओपन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज और लिमिटेड टू स्पेसिफिक प्री क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स एंड सो ऑन। मतलब अब जो बी टू बी ट्रांजेक्शन है, देखिए बी टू बी से आप घबराइएगा नहीं, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
कि बिजनेस टू बिजनेस को आप ओपन भी कर सकते हैं टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। सेकंड, आप उसको कुछ कस्टमर्स को लिमिटेड भी कर सकते हैं। और थर्ड, आप प्री क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स को। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसे आप समझ लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और आपने अपना स्टडी मटेरियल जो है इंटरनेट पे डाला हुआ है, आपने अपना स्टडी मटेरियल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जो आपने फ्री फॉर ऑल किया हुआ है कि कोई भी जाए और वहाँ से डाउनलोड करके अपना उसको यूज़ करे, तो ये तो हो गया कि ओपन टू ऑल। दूसरा क्या है, कोई कुछ आपने ऐसे कोर्स रखे हुए हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है केवल वो ही उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया कि हमने कुछ के लिए वो लिमिटेड कर दिया। ठीक, तीसरा क्या हुआ, मान लीजिए पहला पहला हो गया ओपन टू ऑल, दूसरा हो गया कि जिन स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ केवल वही वो कोर्स देख सकते हैं, तो ये हो गया लिमिटेड टू स्पेसिफिक। और तीसरा काइंड ये हो गया कि प्री क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स। प्री क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये हुआ कि उन कोर्सेस को देखने के लिए भी या उस पर्टिकुलर फाइल में अंदर जाने के लिए या उस हाइपरलिंक में अंदर एंट्री करने के लिए भी आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड प्री क्वालिफाइड। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर अपने प्रोडक्ट को आप ओपन टू ऑल कर सकते हैं, ओपन टू स्पेसिफिक पर्सन कर सकते हैं, और ओपन टू प्री क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपने B2B बिजनेस को, बिजनेस टू बिजनेस जो आपका प्रोसेस है उसको। अब आ जाइए जो सेकेंड टाइप होता है, वो होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर, दैट इज कॉल्ड B2C। ये सब आपने सुना होगा, तो आज अब मैं इसको आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं B2C। ठीक है, B2C का मतलब क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर मीन्स दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंडक्टेड बाई कंपनीज सच एज Amazon.com। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे क्या है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, कोई भी बिजनेस है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, कस्टमर से। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या कौन सी खास बात है, देखिए खास बात है इसमें, अभी तक ऑनलाइन सर्विसेज आने से पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, वो अपना माल अपने प्रोडक्ट मार्केट में डालती थी, तो कैसे, पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर को देती थी, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है डीलर को देता था, डीलर, फिर डीलर किसको देता था, रिटेलर को, मतलब दुकान वाले को अपने, ऐसे समझ लीजिए, रिटेलर को दे देता, और तब जाके रिटेलर इंटरेक्ट करता था किससे, कस्टमर से। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या था कि ना तो डीलर का डायरेक्ट कोई लिंक था कस्टमर से, ना डिस्ट्रीब्यूटर का था, और ना ही कंपनी का था। ठीक, और यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर मॉडल में क्या है कि जो कंपनी है वो डायरेक्टली आपके घर पे, आप उसको डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, जैसे अमेजन पे आप लोग ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, और तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उन पे आप क्या करते हैं, आपके और कंपनी के बीच में ना तो कोई डीलर होता है ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कंपनी की साइट खोलते हैं, आप अपना जो भी प्रोडक्ट लेना रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं, कार्ड बनाते हैं, और आप ऑर्डर कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये जो मॉडल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, वो बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है। और जो पुराना ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मॉडल था, अब भी चल रहा है, अभी भी मार्केट तो दुकानें तो खुली हुई हैं, वो ये मॉडल है कि कंपनी जो है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसको देती है, डीलर को, डीलर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को वो सामान, फिर सॉरी कंपनी देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है डीलर को, डीलर देता है अपने दुकान वाले रिटेलर को, जनरल स्टोर वाले को, मतलब जो दुकान जिन दुकानों पर हम लोग जाते हैं, और तब जाके वो माल वो प्रोडक्ट आपके पास कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये बीच के लोग हैं, इनको
सीधा हटा के कंपनी जो है B2C मॉडल में डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट में रहती है, टच में रहती है। कस्टमर डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर देता है और कंपनी डायरेक्ट जो है जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जो भी उसने ऑर्डर किए हैं, वो कस्टमर को दे देती है। और कस्टमर पेमेंट भी अपना, चाहे आप दोनों तीनों ऑप्शन रहते हैं आपके पास कि जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए या आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, या आप प्री पेमेंट कर दीजिए, जो भी मोड ऑफ ऑप्शन कस्टमर को बेनिफिशियल रहता है, कन्वीनियंट रहता है। कैश ऑन डिलीवरी आप करते हैं तो क्या होता है, जब आपका माल आ जाता है तब आप जो डिलीवरी बॉय को उसको आप कैश दे देते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपने ऑर्डर करते टाइम ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, चाहे वॉलेट वॉलेट से कर दिया आपने, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे जैसे, तो ये सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल रहती है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका ओवरऑल जो वर्किंग है, जो कस्टमर का काफ़ी टाइम बचता है, काफ़ी प्रॉफिट भी पड़ता है, ठीक है, और कन्वीनियंट भी रहता है। तो आज के समय में इसीलिए आप देखेंगे ईच एंड एवरी सेक्टर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ई कॉमर्स के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आप उसको अपने घर बैठे नहीं मंगा सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। आगे एक दो वीडियो में हम लोग और ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।